सदियों से चली आ रही मट्टी के बर्तन बनाने वाले परंपरा लुप्त होने की कगार पर है। पिछले दो सालों से चाइना के माल का लोगों द्वारा बहिष्कार करने के बाद कुम्भारों को एक उम्मीद जरूर जगी है, जिसके चलते उनका रोजगार थोड़ा अच्छा चलना शुरू हुआ है। अब की बार दिवाली पर इन लोगों को काफी उम्मीद है कि उनका रोजगार काफी अच्छा चलेगा। हालांकि सरसों का तेल महंगा होने के कारण मट्टी के दिए काम बिक रहे हैं, जिसके चलते ये लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। चाइना का माल बंद होने से कुछ हमारे काम में फर्क पड़ा है। अब आके थोड़ा थोड़ा काम हुआ है। अब उससे जो है क्या कहते हैं, तेल भी महंगाई हो रही है, तेल बहुत महंगा हो गया, उससे जो है ना काम डाउन हो रहा है। महंगाई होते होते अभी परेशान हो रहा है आदमी, बच्चे गरीब हो गए है ना। अब उतना काम तो है नहीं, महंगाई की वजह से सारे रो रहे हैं जी। सरकार कुछ नहीं कर रही है, अब आगे कैसे बढ़ाएंगे आप? बच्चे का आगे कर ही नहीं रहे काम, क्या करेंगे बताओ? जब बच्चे आगे काम करेंगे तभी सब काम चलेगा। आगे नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, इस महंगाई में क्या करेंगे बच्चे?